अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों इन द हाई ऑर्डर क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर ये क्वेश्चन समझाएं और जब से आया है ये क्वेश्चन उस साल भी बच्चों ने बहुत इसका अगर एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया था तो आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिर ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो है वन कोमा टू एंड द लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज टेन यूनिट्स ठीक है अब आ जाइए कंडीशन आ गई है क्वेश्चन की अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ इफ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी इज जीरो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी तो एक बात समझने वाली है कि जब कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जब आपके पास जीरो हो इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है ठीक है सबसे पहले आपने ये समझ लेना है ठीक है अच्छा जी नाउ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज गिवन टू यू इज वन कॉमा टू फॉर एग्जाम्पल यहां वन है और यहां टू है तो यह आ गया आपके पास वन कामा टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों मैंने मिड पॉइंट प्लेस कर दिया बिकॉज द लाइन इज हॉरिजोंटल बिकॉज द लाइन इज हॉरिजोंटल तो मैं एक एक लाइन इस मिड पॉइंट से गुजरते हुए एक ड्रॉ कर देता हूँ एक हॉरिजोंटल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो इस मिड पॉइंट से गुजर रही है क्योंकि ग्रेडियंट जीरो है तो लाइन क्या होगी हॉरिजोंटल होगी ठीक है अब ये हिस्सा जो है ये वाला पार्ट दिस पार्ट इज द मिड पॉइंट अगर ये मिड पॉइंट है तो टोटल लेंथ है टेन यूनिट तो इसके इस साइड पे फाइव यूनिट होंगे और इसके इस साइड पे फाइव यूनिट होंगे बात समझ में आ रही है बिकॉज द टोटल लेंथ ऑफ ए बी इज टेन यूनिट तो उसके लेफ्ट पे फाइव होगा और राइट पे फाइव होगा तो बीच में मिड पॉइंट हमें पता है क्वेश्चन में तो लेफ्ट राइट right पे फाइव फाइव मैंने प्लेस कर दिया ठीक है तो वन से अगर मैं फाइव आगे जाता हूं तो ये मेरे पास बी का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या आ रहा है वन से आगे जाता हूं तो आ रहा है सिक्स और क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है वो टू से गुजर रही है तो वाई आ गया मेरे पास टू। तो ये आ गया बी का कॉर्डिनेट सिक्स टू सिमिलरली अगर मैं, मैं वन से पांच यूनिट पीछे जाता हूं तो मैं आऊंगा माइनस फोर पे एक्स इज इक्वल टू तो माइनस फोर और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है टू से गुजर रही है तो वाई इज इक्वल टू टू फर्स्ट पार्ट में कोई इश्यू किसी को बेटा एनी कंफ्यूजन इन फर्स्ट पार्ट क्लियर है फर्स्ट पार्ट बेटा ओके नाउ सेकंड पार्ट कंडीशन वही है मिड पॉइंट ऑफ ए भी आपको पता है अच्छा जी अब देखें मिड पॉइंट ऑफ ए भी था हमारे पास वन कॉमा टू ये दोनों पार्ट्स के लिए हैं फॉर एग्जांपल वन यहां पे है और टू यहां पे फॉर एग्जांपल वन कॉमा टू इसका मतलब मिड पॉइंट है ये रहा वन कॉमा टू नाउ ग्रेडियंट इज नॉट जीरो अब जीरो नहीं है ग्रेडियंट अब क्या है थ्री अपॉन फोर ग्रेडियंट इज थ्री अपॉन फोर एंड आर आस्किंग टू फाइंड बी थ्री अपॉन फोर का मतलब होता है ग्रेडियंट जो है वो आपका थ्री राइज है और फोर रन है जब भी हम किसी भी पॉइंट को तीन राइज करके फोर रन करेंगे तो उससे जो आपके पास लेंथ बनती है वो बनती है फाइव पैथागरम के थ्रू अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है ये कहीं भी है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको तीन राइज करूं थ्री राइज करूं वर्टिकल डिस्टेंस का थ्री करूं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फोर करूं तो मुझे बताओ कि ये जो लेंथ इसने कवर की है ये कितनी होगी इसको जब आप पैदा करो सिर्फ अप्लाई करोगे इट विल गिव्स फाइव एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों नाउ अब हमारे पास एक पॉइंट हमें पता है अगर मैं इसको थ्री राइज करूं वन टू थ्री तो टू से मैं तीन ऊपर गया तो ये फाइव पे आ गया थ्री राइज करो रन कितना करूं रन कितना करना है मुझे बोलो फोर वन टू थ्री फोर तो यहां जो लेंथ बनी है ये ये कितनी बनी है लेंथ अगर थ्री राइज और फोर रन करूंगा जो लेंथ डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा बोले बेटा हाँ। फाइव तो इसका मतलब है यहां पे जो पॉइंट आएगा वो बी होगा अब वो बी पॉइंट क्या है हमने एक्स वन से कितना रन किया है वन था फोर रन किया तो ये फाइव हो गया एक्स फाइव हो गया और वाई टू था टू से कितना ऊपर गए हम कितना राइज किया है थ्री राइज क्या है तो टू प्लस थ्री वाई भी फाइव हो गया कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों अब आपको मिड पॉइंट भी पता है आपको मिड पॉइंट भी पता है बी का कोऑर्डिनेट भी पता है आप ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और चाहो तो मिड पॉइंट वाली कंडीशन से भी कर सकते हो अब एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू क्वल टू वाई वन प्लस टू ये कंडीशन सब सबको पढ़ाई थी मैंने कल इस कंडीशन में कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों मिड पॉइंट एक्स से हमारे पास वन एक्स वन हमें मालूम करना है और वाई वन हमें मालूम करना है एक्स वन हमें मालूम करना है और एक्स टू है हमारे पास फाइव अपॉन टू टू टाइम्स वन टू टू माइनस फाइव एक्स वन आया हमारे पास माइनस थ्री so क्या आया हमारे पास माइनस थ्री अब वाई वन कैसे निकलेगा वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू ये मिड पॉइंट वाई का फॉर्मूला है मिड पॉइंट वाई मालूम करना है तो क्या फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस टू अब मिड पॉइंट वाई कितना है हमारे पास

हमारे पास एक्स वन और वाई वन आए माइनस थ्री एंड माइनस वन और एक्स टू और वाई टू आए फाइव एंड फाइव तो ये एक हाई ऑर्डर क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं मैं इसको फर्दर डिस्कस कर सकता हूँ अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे मैं इसको फर्दर डिस्कस कर सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ मैं समझाता हूँ पहले इस क्वेश्चन के बाद फाइनलाइज करें ओके तो ये क्वेश्चन क्लियर है थैंक यू